सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑन टोटल टेक एंड एडिटिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये काइन मास्टर में जो अपडेट प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ टाइम से काफ़ी सारे क्रिएटर के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनके काइन मास्टर में अपडेट आ गया है और जब वो प्ले स्टोर पर जाते हैं तो वो अपडेट नहीं होता। वहाँ पर सिंपली एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें उनको यहाँ पर ओपन करके आ जाता है, फिर जब वो ओपन पर क्लिक करते हैं फिर से अपडेट मांगने लगता है काइन मास्टर। तो आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, 100% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन काइन मास्टर का देने वाला हूँ और क्या क्या करना होगा सेटिंग्स जिससे आपका काइन मास्टर जो है चल जाए। सो फ्रेंड्स, सर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला बेल आइकन दबा के उसको ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सर सबसे पहले तो आपको एक इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली आपको वहाँ पर जाना है और उसके अंदर आपको एक फाइल मिल जाएगी काइन मास्टर वर्जन 1.6 करके कुछ वर्जन है, तो आपको सिंपली वो वर्ज़न डाउनलोड करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इस टेलीग्राम का चैनल का आप नेम भी देख सकते हो, इस चैनल टेलीग्राम चैनल का नेम आप सर्च भी कर सकते हो जाके टेलीग्राम के ऊपर और सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा और जिसके बाद आपको एक सेटिंग करनी होगी जिससे टेलीग्राम से आप कोई भी फाइल इंस्टॉल कर पाएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले का कोई भी फाइल टेलीग्राम से इंस्टॉल नहीं की होगी। मूवीज़ वगैरह को हटा करके आप भले ही मूवीज़ डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पर सिंपली हमने काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लिया और पुराना वाला काइन मास्टर हमने पहले ही डिलीट कर दिया था और ये नया काइन मास्टर कुछ इस तरीके का हमारे पास देखने के लिए आ जाता है। और आप काइन मास्टर की अदर एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो स्टेबलाइजर वगैरह वगैरह का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने वीडियो की क्वालिटी को और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर पूरी तरीके से काइन मास्टर चेंज हो चुका है, यहाँ पर आपको पहले से ही कुछ एड्स क्रिएट या टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने ऐड को बना सकते हैं, सिंपली शॉर्ट वीडियोस के अंदर अपने ऐड को बना सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर हमें अलाउ कर देना होगा, अलाउ करने के बाद एक पिक्चर ले लेते हैं हम लोग और फिर देखते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं काइन मास्टर के अंदर। और यहाँ पर सिंपली देख सकते हो, तो यहाँ पर ज़्यादातर सभी ऑप्शन खुल गए हैं और यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का अपडेट नहीं मांग रहा। सिंपली असिस्ट स्टोर खोल कर देख लेते हैं कि इस वर्जन के अंदर आपको असिस्ट स्टोर पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा असिस्ट स्टोर देखने के लिए मिल जाता है और आप कोई भी असिस्ट डाउनलोड करके इसके अंदर से यूज़ कर सकते हो, चाहे वो स्प्लिट का हो या म्यूज़िक वगैरह कुछ भी, आप एफएक्स और ओवरलेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो इसके अंदर से आराम से। और काफ़ी सारे बैकग्राउंड भी इस बार आ गए हैं काइन मास्टर के अंदर डाउनलोड करने के लिए, तो आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा वर्जन है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेम्पलेट किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। सिंपली मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि टेम्पलेट किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा काइन मास्टर प्रीमियम है, नो वाटर मार्क, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास टेम्पलेट्स खुल के आ चुके हैं जहाँ पर आपको सर्च भी कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो, अपने कॉन्टेंट के हिसाब से टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर आप लोग। और जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं, आप इनको पूरी तरीके से अपडेट कर सकते हो अपनी क्लिप में लगाने के बाद, पूरी तरीके से आप ये एडिटेड होंगे, मतलब आप इनको एडिट कर सकते हो, इनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो या पिक्चर कोई भी बदल सकते हो, अपना टेक्स्ट अपना डाल सकते हो। और इस बार इसमें एक नया ऑप्शन आया हुआ जिसके अंदर आप आईडी भी क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, ताकि आपका कोई भी असिस्ट जो है वो ड्राइव के अंदर सीधा ही सेव हो जाए और आपको दोबारा से डाउनलोड ना करना पड़े, क्योंकि एक बार काइन मास्टर डिलीट हो जाता है फिर से आपको दोबारा से डाउनलोड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सर उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबा देना।